आतंक के 10 सिर, ये 10 सिर आखिर कौन से हैं? किसका जिक्र ये हम हमास और इसराइल से जोड़कर कर रहे हैं, आज ये जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी पांडे। तो बात करेंगे सीधे इसराइल हमास जंग की। इसराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 18वां दिन हो चला है। देखिए, 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए आतंकी हमले के बाद से इसराइल की सेना ने तबाही मचा रखी है और हमास के विनाश की कसम खाने वाली इजरायली सेना हर दिन हमले और तेज कर रही है। तो क्या हमास का अब खात्मा होना तय है या अब भी उसके पास और कोई एग्जिट प्लान है? तो क्या इसराइल में आतंकी हमला हमास की भूल थी? तो क्या हमले के ऐसे अंजाम से हमास अनजान था? तो क्या इसराइल की आग में भस्म हो जाएगा हमास? या पहले से तैयार है हमास का एग्जिट प्लान? इसराइल और हमास के बीच युद्ध को 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए हैं और इसराइल पर 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले को छोड़ दें तो इतने दिनों में इस युद्ध को एक तरफा ही कहा जा सकता है। खुद पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही इसराइल न सिर्फ हमास बल्कि उसके मददगारों से लेकर पनाहगारों तक पर कहर बरपा रहा है। इसराइल के हवाई हमलों से गाजा का हाल तो ऐसा हो गया है मानो यहाँ कभी कोई शहर रहा ही नहीं होगा। 2 हफ्ते से अधिक की जंग में इसराइल ने हमास के 12 खतरनाक कमांडरों को मार गिराया है, पर हमास इन हमलों का ऐसा जवाब नहीं दे सका है जो ये साबित कर सके कि वो अपने बाकी बचे कमांडरों को बचा सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब हमास का अंत तय है या अब भी उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे बचा सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं है। इसको समझने के लिए आपको 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास के आतंकियों की एंट्री से लेकर आगे होने वाले पूरे एग्जिट प्लान को सिलसिलेवार समझना होगा। इसराइल में घुसकर आतंक मचाना, कत्लेआम करना और तबाही मचाना हमास का पहला और एंट्री प्लान था और इसी दौरान हमास ने अपने एग्जिट प्लान की तैयारी शुरू कर दी, जिसका पहला स्टेप था इजरायली लोगों को बंधक बनाना। हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमलों के दौरान कत्ल तो किए लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाया और बंधक बनने वालों में महिलाएं और बच्चों की तादाद अधिक थी। हमास के एग्जिट प्लान का दूसरा स्टेप था विदेशी नागरिकों को बंधक बनाना। इसराइल के बड़े पर्व के दिन हमला करने के पीछे विदेशी नागरिकों को बंधक बनाने की साजिश थी। आतंकियों ने दक्षिणी इसराइल में चल रहे फेस्टिवल प्रोग्राम पर हमला किया जहां बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी थे और उनमें से कई लोगों को बंधक बना लिया। हमास के एग्जिट प्लान का तीसरा स्टेप था गाजा के रिहायशी इलाकों में छिपना। हमलों के बाद हमास के आतंकी गाजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों में छिप गए लेकिन इसराइल के एक्शन ने उनके इस मंसूबों को नाकाम कर दिया। हमास के एग्जिट प्लान का चौथा स्टेप था कई मोर्चे पर इसराइल की घेराबंदी। हमास को यकीन था कि इसराइल एक साथ कई मोर्चे खुलने पर उसके खिलाफ जंग में कमजोर पड़ेगा और वो खुद को बचाने में कामयाब होगा, लेकिन इसराइल ने हमास के खिलाफ न सिर्फ हमलों को और बढ़ा दिया बल्कि हिजबुल्ला समेत दूसरे मोर्चों पर भी ज्यादा आक्रामक हो गया। हमास के एग्जिट प्लान का पांचवा स्टेप था युद्ध को इसराइल वर्सेस फिलिस्तीन बनाना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमास इस प्लान में पूरी तरह कामयाब रहा लेकिन इजरायली हमलों के बाद दुनिया भर में फिलिस्तीन इस जंग का केंद्र बना, जिसका कुछ फायदा हमास को तो जरूर मिला लेकिन इतना भी नहीं कि वो राहत ले सके। हालांकि अब भी हमास के पास 2 एग्जिट प्लान हैं जिस पर वो काम कर रहा है और इसमें पहला प्लान है इजरायल पर मुस्लिम देशों का दबाव बनाना। हमास को अपने इस एग्जिट प्लान पर पूरा भरोसा था और उसे यकीन था कि ऐसा कुछ होने पर कुछ ही दिनों में मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा
और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। ईरान समेत कई मुस्लिम देश फिलिस्तीन के बहाने हमास के साथ खड़े दिखे, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई बड़ी शक्तियों के एक साथ इसराइल के पक्ष में आने से हमास का ये प्लान भी फिलहाल फेल होता दिख रहा है। और अब हमास के पास सिर्फ एक ही एग्जिट प्लान है और वो है बंधकों की रिहाई के बदले खुद का बचाव। यह आखिरी दांव है हमास का और ये सबसे बड़ा प्लान भी है, क्योंकि एक तरफ इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली नागरिक सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं विदेशी नागरिकों की रिहाई का भी बड़ा दबाव है। ऐसे में हमास अपने इस प्लान को कतई फेल नहीं होने देना चाहता और यही वजह है कि वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पहले दो अमेरिकी महिलाओं को और अब दो इजरायली महिलाओं की रिहाई को हमास ने मानवीय आधार बताया है, लेकिन उसे पता है कि यही प्लान है जो उसे इस युद्ध से सेफ एग्जिट दे सकता है। लेकिन इजरायल की कसम के आगे ये प्लान कितना, कब और कैसे काम करेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है,